कोरोना वैक्सीन बीजा तबक्का में सूरत जिल्ला में चार तालुका में रसी मुकवानी कामगीरी में पलसाणा तालुका में कोरोना रसीकरण प्रारंभ करवामां आव्यो छे, जेमां 90 जेटला व्यक्तिओए रसी आपवामां आवी हती। पलसाणा तालुकाना सीएससी खाते सरकारनी गाइडलाइन अनुसार कोविड 19 ना रसीकरणनो शुभारंभ करता तालुका हेल्थ ऑफिसरना डॉक्टर समीर चौधरीना हस्ते दीप प्रागट्य करी करवामां आव्यो हतो। सौप्रथम रसीकरण कोरोना वोरियर सेवा आरोग्य कर्मचारीओने रसी मुकवामां आवी हती, तेवामां सामूहिक आरोग्य केन्द्र पलसाणा इंचार्ज सुप्रिटेन्डेंट डॉक्टर सिंह, इंचार्ज टीएचओ डॉक्टर समीर चौधरी, खानगी होस्पिटल 108 नो स्टाफ रसीकरण करवामां आव्यो हतो। तो बीजा तबक्का में एक महीनानी अंदर बीजो डोज आपवामां आवशे। रसी मुक्या बाद रसी लेनारने कोई आड़असर थई नहीं के तेनुं अवलोकन रूममां 30 मिनिट सुधी रसी मुकाया बाद रसी लेनारनुं अवलोकन करवामां आव्यो हतो। दुनियानी नजर ज्यारे भारत देश पर छे त्यारे आरोग्य कर्मचारीने रसीकरण करावी समग्र दुनिया सारा समाचार आप्या छे, जेमां कोईने पण रसीनी आड़असर थई एवुं जाणवा मळ्युं नथी। हाँ, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह, मेडिकल ऑफिसर कम इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट सीएससी पलसाणा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। लगभग 15 मिनट लेना हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को संदेश आई है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, बहुत जरूरी लें। पैंडेमिक डिजीज था, अगर आपको कोविड 19 से मुक्ति पाना है जरूर उत्साह के साथ आइए और जरूर इसका लाभ उठाइए। मारू नाम डॉक्टर समीर जे चौधरी, हूँ इंचार्ज तालुका आरोग्य अधिकारी पलसाणा तालुको। वेक्सिनेशन करायो छे मैं, हमणा दुखावो के एवुं हमणा मने कशुं थतुं नथी अने कोई जातनी तकलीफ नथी हालमां मने। शुं कहो छो? આજની તારીખે, હા, લગભગ 90-100 જણાને આજની તારીખે વેક્સિનેશન અહીંયા કરવામાં આવનાર છે। હવે જે હેલ્થ સેક્ટર જે છે, આપણા સરકારી દવાખાના છે તેના ડૉક્ટરો છે, તેનો સ્ટાફ છે, અને અમુક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો જે લોકોએ પલસાણા છે અને કડોદરામાંથી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો છે તેના ડૉક્ટરો છે, તેનો સ્ટાફ છે, 108ના કર્મચારી છે, તાલુકાની RBSK ટીમ છે, એ તમામ લોકોનું વેક્સિનેશન માટે આજની તારીખે અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન થયેલું છે। હા, એ લોકો ડૉક્ટરો જે પ્રથમ ચરણમાં થયું છે એ લોકોની સાથે વાતચીત થઈ અને એ લોકોને બી એ દિવસે પણ કોઈની તકલીફ નથી અને આજ દિન સુધી બી એ લોકોને કોઈ જાતની તકલીફ થયેલ નથી।